फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी. सो वी आर वॉचिंग एपिसोड नंबर 42 ऑफ इस पार्ट 7 में हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे एक फिन देके रखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फिन दिखाई देके रखा है वो रोड है. रोड यानी वो सर्कुलर फिन है. ठीक है, तो उसका डायमीटर उसने देके रखा है 0.5 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 0.005 मीटर. ठीक है, लेंथ उसने देके रखी है 50 सेंटीमीटर, तो हो जाएगी 0.5 मीटर. उसने बोल के रखा है जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेल्सियस है, और जो एनवायरमेंट का है वो 30 डिग्री सेल्सियस है. एच भी उसने देख रखा है 40, कंडक्टिविटी उसने देख रखी है 300. तो सबसे पहले हमें चाहिए पेरीमीटर, तो सर्कुलर है इसलिए पाई डी हो जाएगा. ठीक है, और एरिया चाहिए, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो डी हमारे पास है यहाँ पे वैल्यू, तो डी की जगह से हम पेरीमीटर भी ढूंढ सकते हैं और एरिया भी ढूंढ सकते हैं. अब उसने ये बोल के रखा है, पहली चीज उसने ये बोल के रखा है कि प्रूव करिए कि ये जो फिन है वो इन्फाइनाइट लॉन्ग फिन है. ठीक है, सबसे पहले हम ये प्रूव करना है कि दिस फिन इज इन्फाइनाइट लॉन्ग फिन. तो सबसे पहले हम एम ढूंढेंगे. एम क्या होगा? रूट एच पी का, यानी एच पी अपॉन के. देखो एच हमारे पास है बच्चों, यहाँ पे एच की वैल्यू देके रखी है, पैरामीटर पाई डी हो जाएगा, कंडक्टिविटी उसने 300 देके रखी है, एरिया हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर. यहाँ से आपको एम मिलेगा, वो होगा डायमेंशन लेस कम 10.32. अब आपको एम इंटू कैपिटल एल यानी लेंथ करना है, तो लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ है 0.5 मीटर, तो इससे मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर आएगा 5.163. अगर बच्चों आपको m into l का मल्टीप्लीकेशन आपका ग्रेटर देन 3 आता है तो आपकी जो फिन होती है वो इनफाइनाइट लॉन्ग फिन होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 3 आया, तो हमने प्रूव करा कि ये जो फिन है इनफाइनाइट लॉन्ग फिन है. तो कभी कभी आपको एग्जांपल पे फिन का कौन सी फिन है वो आपको नहीं देगा, तो उस वक्त आपको m into l करके चलना है. अगर ग्रेटर देन 3 आता है तो आपको वो फिन इनफाइनाइट लॉन्ग लेके चलना है. ठीक है, अब इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए हमें ट्रांसफर पता है, रूट एच पी के टी जीरो माइनस टी है, एच की वैल्यू है पी है पाई डी, के की वैल्यू एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, टी जीरो यानी सरफेस टेम्परेचर 500 और टी है यानी एनवायरमेंट टेम्परेचर वो 30, तो 500 माइनस 30 यहाँ पर, तो आपको वोल्ट मिल जाएगा. ठीक है, क्यू अब वो बोल रहा है कि अभी थर्ड चीज वो पूछा है कि रोड पे 20 सेंटीमीटर, रोड की जो लेंथ होगी वहां पे 20 सेंटीमीटर पे कितना टेम्परेचर होगा, वो ये बोल रहा है. तो 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर बोल सकता हूँ. तो हमें पता है बच्चों इन्फाइनाइट फिन के लिए हम इस तरीके से लिखते थे, टी माइनस टी ए अपॉन टी जीरो माइनस टी ए इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम एक्स. टी यानी हमें ढूंढना है कितना होगा. ठीक है, टी इनफाइनाइट यानी एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना है 30, टी जीरो यानी सरफेस का कितना है 500, एनवायरमेंट का कितना है 30 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एम. एम कितनी वैल्यू है हमारे पास, एम की 10.32 यहाँ पे लिखो, एक्स इज इक्वल टू 0.2 मीटर लिखो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा वो टी मिलेगा जो होगा 89.6 डिग्री सेल्सियस एट द 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस. ठीक है बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, शेयर करें. हैव अ नाइस डे, बाय बाय.